हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरी शंकर, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। आज अपन लोग जो फिजिक्स इको टेस्ट चल रहा है, फिजिक्स इको टेस्ट का टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। टोटल 16 पेपर होने हैं, इसमें ये टेस्ट नंबर 5 है और टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड रोटेशनल मोशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें आप क्वेश्चन आप देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम आपके पास ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ये रखा हुआ है, मास 2 किलोग्राम है, यहाँ पर मास 3 किलोग्राम है, यहाँ पर मास 1 किलोग्राम है। पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मतलब क्या हो गया, हमें एक्स एक्सिस पर पोजीशन निकालना है और वाई एक्सिस पर पोजीशन निकालना है। तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। सिमिलरली वाई सी ओ एम लगाओगे, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री। तो देखिए क्या करना है, एम वन आपने अगर इसको मान लो लिया एम वन, तो यहां पर तो हो गया जीरो। M2 हमारे पास ही है तो 2 इंटू टू प्लस M3 हमारे पास ही है, तो x एक्सिस की पोजीशन हमारे पास क्या 0 है। अपॉन टोटल मास क्या हो गया, 1 2 3 एंड 3 6 क्या आ जाएगा, 4 बाई 6 आया, मतलब 2 बाई 3 आ गई पोजीशन। x की पोजीशन क्या हो गई, 2 बाई 3। सिमिलरली अब यहाँ पर आ जाओ, एम वाई वन यहाँ पर ये तो 0 है प्लस एम टू वाई टू ये भी हमारे पास 0 है प्लस एम थ्री वाई थ्री ये है हमारे पास 3 और पोजीशन क्या है 3 पर है। तो 3 इंटू 3 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 6, तो 9 बाई 6 आया। तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 बाई 2। ये हो गया हमारे पास y की पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 बाई 3 कॉमा 3 बाई 2, तो आंसर हो गया फर्स्ट। आंसर हो गया फर्स्ट। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसका हमें पोजिशन निकालना है। ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है। एक ये रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। इसकी पोजिशन क्या होगी बेटा, ये हो गया l बाई टू कामा जीरो और ये हो गया जीरो कामा l बाई टू। ये हो गया x1 y1, ये हो गया हमारे पास x2 y2। तो x यू एम लगा लो, m1 x1 मतलब l बाई टू अपॉन टोटल मास हो गया 2m। ऐसे y सी एम लगाओ, ये हो जाएगा m इन टू एल बाई टू अपॉन 2m। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आ गया l बाई फोर कॉमा l बाई फोर ये आया, इसमें भी क्या आ गया l बाई फोर ये आया। तो दोनों के हमारे पास पोजीशन क्या आ गए, l बाई फोर l बाई फोर आ गए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कितना आएगा ऑप्शन, सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम।
देखिए, टू पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम हैविंग एक्सेलेरेशन आई माइनस 2 जे प्लस 5 के मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड माइनस 2i प्लस 4 बाई 3j माइनस के मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम के दो कण हैं जिनके त्वरण दिए हुए हैं, तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण पूछ रहा है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखो ये होता है ए सी ओ एम बराबर एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। एम वन ये कितना है 1, ए वन कितना है आई माइनस टू जे प्लस 5 के, प्लस एम टू कितना है 3, ए टू कितना है माइनस टू आई प्लस 4 बाई 3 जे माइनस के अपॉन टोटल मास कितना बेटा 1 और 3 मिलकर के हो गया 4। अब देखो मल्टीप्लाई करो, आई माइनस 2 जे प्लस 5 के ये आया, माइनस यहां पर कितना आ जाएगा 6 आई, 3 कैंसिल हो जाएगा प्लस 4 जे, यहां पर आ जाएगा माइनस 3 के अपॉन 4। आई और माइनस 6 आई मिलकर के हो गया माइनस 5 आई, माइनस 2 जे और प्लस 4 जे मिलकर के हो जाएगा 2 जे, 5 के और 3 के मिलकर के हो जाएगा 2 के बाई 4, इसे कट करो ये आ गया 2, ये आ गया 2, तो माइनस 5 बाई 4 जे प्लस जे बाई 2 प्लस के कैप बाई 2, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बात सबको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू फोर्सेस F1 एंड F2 आर एक्टिंग ऑन टू पार्टिकल्स एट मास 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दो बल दिए हैं F1 और F2, 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम पर आरोपित है, इनका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण क्या होगा। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, ए सी ओ एम ये हो जाएगा टोटल F1 प्लस F2 ये वेक्टर अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना हो गया 15। अब F1 F2 जोड़ लो तो 4i और 7i मिलकर के कितना हो गया 11i, माइनस 2i माइनस 8j कितना हो गया माइनस 10j, 5k और 3k मिलकर के कितना हो गया 8k अपॉन 15। आंसर चेक करो कौन सा आ गया, 11i माइनस 10j प्लस 8k अपॉन 15 आंसर हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए पर्सन ऑफ मास 40 किलोग्राम इज स्टैंडिंग ऑन द प्लैंक ऑफ द लेंथ 10 मीटर, ये प्लैंक है 10 मीटर का, मास इसका है 60 किलोग्राम, इफ द पर्सन मूव्स ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लैंक, अब यहां से ये इधर की तरफ चलना चल रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस, अब ये कितना चलेगा ये देखना है अपने को। प्लैंक इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सर्फेस, ठीक है, ये क्या कह रहा है तख्त के दूसरे सिरे तक जाता है, तो अगर पर्सन अगर इधर जाएगा तो प्लैंक इधर आएगा, तो प्लैंक जो डिस्टेंस कवर करा और ये जो कवर करा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमने मान लिया कि वो डिस्टेंस कवर करा स्मॉल एक्स, प्लैंक जो कवर कर रहा है वो कर रहा कितना स्मॉल एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा, और वो किस तरफ आ रहा इधर की तरफ, तो माइनस 60x प्लस, अब ये कितना जाएगा इधर चलेगा, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो,
तो कितना आ जाएगा, माइनस 60x प्लस 400 माइनस 40x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर। चेक कर लो x इज इक्वल टू 4 मीटर किसमें है, आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ए बॉडी ऑफ मास एम कोलाइड अगेंस्ट ए वॉल विद ए वेलोसिटी वी एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ। एक ये वॉल है, एक ये वॉल, इस पर बॉल इस पे आ रही, टकराई और टकराने के बाद इधर लौटे, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, इधर एम वी और इधर एम वी, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2 mv, आंसर विल बी फोर्थ। सेवेंथ, टू बॉल एट सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज कंजर्व। हमेशा कोलिजन में कंजर्वेशन किसका होता है, ऑलवेज मोमेंटम इज कंजर्व, हमेशा संवेग संरक्षित रहता है, तो क्या चीज संरक्षित रहेगी, मोमेंटम विल बी कंजर्व, आंसर विल बी फोर, संवेग संरक्षित रहेगा। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, देखिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन 1 हो, वी सेपरेशन और वी अप्रोच दोनों का रेशियो क्या आ जाए, 1 हो जाए, दैट इज नोन एज द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए बॉल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी 10 m/s कोलाइड विद आइडेंटिकल बॉल विच इज एट रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल आफ्टर द कोलिजन। एक ये बॉडी हमारे पास रेस्ट पर है, यू टू हमारे पास 0 है, ये हमारे पास किस वेलोसिटी से आ रहा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड वाला है और ये फर्स्ट वाला है, ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, u1 आ रहा है हमारे पास 10 m/s से आ रहा। अब जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, कोलाइड विद आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बॉल है, आइडेंटिकल बॉल है, तो ये क्या करेगा, ये इससे कोलाइड होगा तो अपनी वेलोसिटी इसको दे देगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रेस्ट पर हो जाएगा, तो सेकंड वाले जब v2 होगा, v2 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ये हो जाएगी 10 m/s और v1 क्या हो जाएगा, 0। किसका पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉल पूछ रहा है, तो सेकेंड बॉल के लिए क्या आ जाएगा, दैट विल बी 10 m/s। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है, यू नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास सेपरेशन, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड कर रहा, जो शेप है उस पर डिपेंड कर रहा, रोटेटिंग एक्सिस पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन वो कभी भी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलेरेशन या टॉर्क पर डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द रोटेशन, उड़न अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अब इसी का रिवर्स क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है वो, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है,
तो मास पर डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पर करता है, लेकिन टॉर्क पर डिपेंड नहीं करता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, एज द डिस्टेंस ऑफ द मास इंक्रीजेस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। अभी हमने बताया था कि जैसे जैसे रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस इंक्रीज होती है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है। आंसर विल बी फर्स्ट। 13, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मींस ग्राम सेंटीमीटर, तो एम आर स्क्वायर होता है तो कितना आ जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर विल बी थर्ड। 14, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड। वन एंड मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास कोई रॉड है, मास m है, लेंथ l है, इसके अबाउट आपको निकालना है। इसके अबाउट क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 आ जाएगा। आंसर विल बी फर्स्ट। 15 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड। ये एक रॉड है, ये एक रॉड है PQ, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये एंगल कितना बना रहा है, 30। तो यहां पर देखिए, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m l साइन 30 होल स्क्वायर अबाउट इट्स वन एंड है, ये रॉड इस वन एंड के अक्रॉस है और एंगल कितना है, 30 डिग्री, तो हमारा 3 आ जाएगा। तो आई इक्वल टू आ जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 3 साइन 30 वैल्यू 1/2, तो आ जाएगा 1/4 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर अबाउट द टेंजेंट। टेंजेंट के अबाउट निकालना है हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है 2/3। हॉलो स्फीयर का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/3 एम आर स्क्वायर, और ये टेंजेंट है, इसके अबाउट निकालना है आपको। तो इसके अबाउट निकालना है तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इतना है 2/3 एम आर स्क्वायर, प्लस आपको एम आर स्क्वायर और करना पड़ेगा, तो व्हाट वी गेट आ जाएगा 5 mr² / 3। चेक कर लो कहां पर है आंसर, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट 17, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड इट इज आर अबाउट ए लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर। एक एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या एक ठोस बेलन की सतह से गुजरने वाली रेखा जो कि बेलन की अक्ष के समांतर, मतलब ऐसा दिया है, ये कोई ठोस बेलन है सॉलिड सिलेंडर और ये हमारे पास है उसकी एक्सिस, आपके पास आपको इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका क्या होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, डिस्क की तरह होता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे तो प्लस एम आर स्क्वायर और कर देंगे, देन व्हाट वी गेट 3/2 एम आर स्क्वायर। आंसर विल बी फर्स्ट। 2 सिमिलर सॉलिड स्फीयर टच ईच अदर। एक ये है सॉलिड स्फीयर और एक ये है सॉलिड स्फीयर। ईच अदर एज शोन इन द फिगर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका डबल कर लेंगे तो उतना इधर होगा। तो यहां पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि रोटेटिंग एक्सिस हमारे पास ये है,
प्लस एम आर स्क्वेयर, ये हुआ तो ये आ जाएगा हमारे पास सेवन एम आर स्क्वेयर बाई फाइव, ये एक का हुआ, ऐसे ही इधर वाले का आएगा इंटू टू कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 एम आर स्क्वायर बाई फाइव। बात सबको समझ में आ गई होगी। नाइनटीन, ए वायर ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ द सर्कुलर लूप, देन व्हाट बी इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द ज्योमेट्रिकल एक्सिस। एक ही वायर है, इसका रेडियस हमने आर मान लिया, ऐसे वायर था, इसको बेंट कर दिया गया लूप के फॉर्म में ऐसे, लेंथ एल है, मतलब 2πr इज इक्वल टू एल है तो r इज इक्वल टू क्या हो गया l अपॉन 2π। रिंग का मोमेंट, ये रिंग बन रही है एक, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एम आर स्क्वेयर, तो i इज इक्वल टू कितना हो गया एम आर स्क्वेयर, एम आर स्क्वायर कितना हो गया एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, एम एल स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 20, ए सेगमेंट ऑफ डिस्क हैविंग मोमेंट ऑफ हैविंग मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज गिवन, देन फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। इसके अबाउट हमें लेना है, मतलब ये हमारे पास एक्सिस है, ये एक्सिस है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, और इस हम कितना भी पार्ट कट करें अगर मास हमारे पास सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा एम आर स्क्वायर बाई टू ही आएगा, तो आंसर विल बी फर्स्ट। 21, द रेडियस ऑफ गायरेशन इज ए क्वांटिटी। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी जो कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट 22, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट, स्पर्श रेखा की परिधि आपको निकालना है, घूर्णन त्रिज्या। तो देखो ये है हमारे पास, इसके अबाउट निकालना है, तो ये कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, ये होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और चूंकि इसके अबाउट निकालना है तो ये हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी, एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम के स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन है, तो ये कितना आ जाएगा 5 एम आर स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, के इज इक्वल टू क्या आ गया रूट ऑफ 5 आर स्क्वायर बाय 3, रूट ऑफ 5 आर स्क्वायर बाय 3 आंसर विल बी सेकंड। 23, फोर्स F इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k इज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट हूज पोजिशन वेक्टर इज गिवन एज, मतलब ये हमारे पास R वेक्टर दिया है और ये हमारे पास F वेक्टर दिया है, आपको निकालना है टॉर्क, निकालना है टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो tau इज इक्वल टू मालूम है R क्रॉस F होता है, इसको अगर ऐसे निकालें तो ये हो गया i j k, ये हमारे पास आ गया 1, 2, -1, ये हो गया -2, 2 एंड 2, i लिखा है ऐसे, यहां पर ये आया 2, 2 जा 4 और ये आ जाएगा +2, माइनस j इसमें इसको लिखा 2 और ये आ जाएगा -2, 0, प्लस k कैप ये गया, ये आ गया 2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया 0, ये आ जाएगा 6i कैप प्लस 6k कैप, इसका मैग्नीट्यूड ले लो अंडर रूट ऑफ 6² प्लस 6² व्हाट वी गेट दिस विल बी 6√2, देख लो कितना है 6√2 इज द आंसर, आंसर विल बी फर्स्ट। 24,
टू बॉल ईच ऑफ मास 5 किलोग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विद ईच अदर, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द बॉल इफ कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक। अब कोलिजन यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक है, तो जब परफेक्टली इलास्टिक है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहां पर एक मान लिया, एक इस स्पीड से इधर जा रहा था और एक इस स्पीड से इधर आ रहा, दोनों इधर आ रहे हैं, ये मान लिया u1 है और ये आपका u2 है। अब v1 v2 डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, कोलिजन के बाद डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो अपोजिट देख लो किस में हो रहा है, अपोजिट तो यहां पर देखो दोनों में सेम है, यहां पर दोनों में सेम है, यहां पर दूसरे का जीरो हो रहा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, सीधा आपको आंसर देख लेना है। नेक्स्ट 25, ए बॉडी इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर रिबाउंड टू ए हाइट ऑफ 2.5 मीटर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। रिबाउंड हो रही, कितना जाती है, h1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ये हो गया 2.5 इज इक्वल टू ई स्क्वायर एच, कितना हो गया 10 मीटर, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 4, देन व्हाट वी गेट, ई इज इक्वल टू 1 बाई 2। आंसर चेक कर लो, आंसर आ गया हमारे पास 1 बाई 2। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बॉडी इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट 20 मीटर एंड रिबाउंड टू हाइट दिस वन, केवल ये 5 मीटर तक जाते हैं, केवल ये 5 मीटर तक जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 5 मीटर तक जाने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर उसका कितना एनर्जी लॉस हो गई। तो यहां पर देख लो हमारे पास जो u1 था वो 20 ऐसे कर लेता u1 इज इक्वल टू 20 mg है, mgh होता है, और u2 कितना हो गया हमारे पास 5 mg, तो जो लॉस हुआ लॉस कितना हो गया, डेल्टा u हमारे पास आ गया 15 mg, तो डेल्टा u अपॉन u इंटू 100 कर लो, मतलब u1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75% एनर्जी लॉस हो गई। किसमें लॉस हुई, इन काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 2m एंड स्टिक्स टू इट, उसी में चिपक जाता है, ठीक है, m द्रव्यमान का था और 2m द्रव्यमान से चिपक गया, यहां पे m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा, अब ये इसी के साथ चिपक गया, तो मास कितना हो गया, ये हो गया 3m और आपको ये v डैश निकालना है, आपको मोमेंटम कंजर्व करना है, मतलब mv इज इक्वल टू 3mv डैश, 3mv डैश, तो v डैश कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू v बाई 3, v बाई 3 चेक कर लो आंसर किसमें है, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। ट्वेंटी एट, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन मासेस पर, पोजिशन पर, इंटरनल फोर्सेस, उनके बीच जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उस पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती। नेक्स्ट 29, ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, कैपिटल एम का मास ज्यादा है, एक स्मॉल एम है और एक कैपिटल एम है, क्या कह रहा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पर होगी, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमेशा हैवियर बॉडी की तरफ होती है, सेंटर ऑफ मास की हमेशा पोजीशन किधर होती है, दैट इज जस्ट टुवर्ड द हैवियर ऑब्जेक्ट, तो हैवियर किधर हो गया, हैवियर हमारे पास कैपिटल एम की तरफ हुआ, मतलब नियरर टू कैपिटल एम होगा। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स, जो हमारे पास
न्यूटन का जो कंजर्वेशन लॉ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दैट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आपको मालूम है एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम एंड 500 ग्राम पोजेस वेलोसिटी 10 I मीटर पर सेकंड एंड 3 I+5 g मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 v1 + m2 v2 अपॉन m1 + m2। m1 200 इंटू 10 I + m2 कितना है 500 इंटू 3 I + 500 इंटू 5 g अपॉन 700 आ गया। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 2000 और ये आ गया 1500। कितना हो गया? ये हो गया 3500 I कैप प्लस ये हो गया हमारे पास 2500 g कैप। 700 से इधर डिवाइड कर लो, 700 से डिवाइड कर लो, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, कितना आ गया? इधर आ गया 5 I, इधर आ गया 25/7 j। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द यूनिट ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक्चुअल जो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये वेलोसिटीज का रेशियो होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इनका रेशियो होता है। सो इसका कोई भी डायमेंशन, सॉरी, ना तो कोई डायमेंशन होगा ना ही कोई यूनिट होगा। नेक्स्ट 33, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच ऑन द ग्राउंड लेवल, इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई देन द हाइट जंप टू गो आफ्टर एनथ। जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट वाले में एच वन अगर हम लेते हैं, ई स्क्वायर एच लेते हैं, एच टू लेते हैं तो ई टू इंटू टू एच लेते हैं, फिर अगर एच थ्री लेते हैं तो ई थ्री इंटू टू एच लेते हैं, ऐसे आता रहता है। तो अगर एन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एच ई पावर टू। थर्टी फोर, टू बॉडीज ऑफ सेम मास आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी वी इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, दे कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर। दोनों आते हैं, दोनों चिपक जाते हैं, दोनों वेलोसिटी सेम, तो रिजल्ट इन वेलोसिटी क्या होगी? तो देखो, हमारे पास जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, एक इधर से आ रही और एक इधर से आ रही, दोनों सेम वेलोसिटी से हैं, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। और जब इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी विल बी जीरो। 35, इन एन इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन द बॉडीज द विच द फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व। अप्रत्याश से टक्कर हो रही, अप्रत्याश टक्कर में हमारे पास क्या चीज कंजर्व रहता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, आइदर इट इज इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन विल बी सेकंड। 36, यहां पर थ्री पार्टिकल हैं। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्टिकल ईच हैविंग मास एम लोकेटेड एट दीज थ्री पॉइंट्स, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर मास। तो इसमें हमने एक्सियम निकाला, m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 / m1 + m2 + m3। 3m आ जाएगी, ये हमारे पास कितना हो गया? ये हो गया 6m / 3m, ये आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे वाई सी एम निकाल लेंगे, वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2, 2। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, एक बॉल 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप की गई।
40%, मतलब यहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी, हमारे पास 10 mg के इक्वल है। 40% लॉस हो गई, लॉस कितनी हो गई 40%, तो हमारे पास कितनी बची 6 mg बचा, क्योंकि 40 तो निकल गया। ऐसे मान लो अगर हमारे पास यहां पर 100 था तो यहां पे हमारे पास कितना बचा 60 बचा। अभी ऊपर कितनी हाइट तक जाएगा, अब ये हमारे पास जो बचा उसी की हाइट से तो जाएगा 6 mg, तो 6 mg इज इक्वल टू mg h डैश, h डैश कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। आंसर विल बी 4। 38, टू आइडेंटिकल बॉल मूव्स विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड एंड वन मूव विद 12 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड इज एट रेस्ट कोलाइड इलास्टिकली आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल। तो पहले एक बॉल ये आ रही थी, पहले एक बॉल ये आ रही यू वेलोसिटी से, ये फर्स्ट बॉल है, और ये हमारे पास सेकंड वाला कहां पर था, ये यू वन इज इक्वल टू यू है, और यू टू कहां पर है, जीरो पर है। अब जब इसे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, वी टू इज इक्वल टू यू हो जाएगा और वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसका पूछ रहा है, फर्स्ट बॉल के लिए पूछ रहा है, फर्स्ट बॉल के लिए पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। थर्टी नाइन, टू पर्टिकुलर मास एम ए एंड एम बी हैविंग देवर वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंजेस देयर वेलोसिटीज। वेलोसिटी का इंटरचेंज कब होता है, वेलोसिटी का इंटरचेंज तभी होता है व्हेन बोथ ऑफ द टू बॉडीज आर आइडेंटिकल, इट मींस द रेशियो ऑफ द मास विल बी इक्वल टू 1, मींस आंसर विल बी 4। नेक्स्ट 40, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस ऑफ ए सॉलिड हेमीस्फीयर। सॉलिड हेमीस्फीयर का जो मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 पर होता है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है हेमीस्फीयर का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो 3r/8 ये है, तो r की जगह क्या रखना है, 16 रख दो, तो 8 2 16, 3 2 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 41, टू आइडेंटिकल रॉड्स ईच ऑफ मास एम एंड लेंथ एल आर केप्ट अकॉर्डिंग टू द फिगर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये हमारे पास इस तरीके से दो रॉड रखे हैं, आपको इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 3। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, एम एल स्क्वायर बाई 3। दोनों जोड़ दो कितना आ गया, 2 ml² / 3। आंसर विल बी सेकेंड। 40 kgm² अबाउट इट्स डायमेट्रिक एक्सिस। डायमेट्रिक एक्सिस का मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr² की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 40। ये हो गया। अब अबाउट टेंजेंट लेना है, अबाउट टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट के अबाउट हो जाएगा 2/5 mr² + mr², ये व्हाट वी गेट, ये आ जाएगा हमारे पास 7 mr² / ये कितना आ गया, 7 mr² / 2 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 7/5 mr² = ये हमने मान लिया x, ये अपने को निकालना है, mr² से mr² गया, 5 से 5 गया, 2 से 1 काटो कितना आ गया 20, एक्स इज इक्वल कितना आ जाएगा 20 × 7 कितना हो गया 140। आंसर विल बी 140 kgm². 43 क्वेश्चन देखिए, एडजॉइनिंग डायग्राम शोज
थ्री रिंग्स, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, तो ये इस रिंग का हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू। अब इसमें देखो ये हो गया हमारे पास एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस पैरेललॉग्रैम थ्योरम लगाओ प्लस एम आर स्क्वायर दिया आएगा, ऐसे ही इधर है तो ये हो जाएगा डबल, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू यहां पर कितना हो गया थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू, तो थ्री टू जा सिक्स हो गया, ठीक है, सिक्स एम आर स्क्वायर बाई टू और एम आर स्क्वायर बाई टू मिलकर कितना हो गया सेवन एम आर स्क्वायर बाई टू। सो आंसर विल बी फर्स्ट 44। देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग एंड द डिस्क ऑफ सेम मास अबाउट देयर डायमीटर्स आर सेम, डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है, तो उनकी जो रेडियाई होंगी वो क्या होंगे, तो देखो एम आर स्क्वायर बाई टू और डिस्क का क्या होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर डायमीटर के अबाउट, इसको कट करो ये आ गया, इसको आर वन मान लिया, इसको आर टू मान लिया, मास सेम है तो आर वन अपॉन आर टू कितना हो गया दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, तो आर वन अपॉन आर टू ये कितना आ जाएगा वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू आंसर विल बी फर्स्ट। फोर्टी फाइव देखिए ए पार्टिकल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हैविंग पोजिशन वेक्टर इज 10i प्लस 6j इज मूविंग विद वेलोसिटी 5i मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, इतने मास का है 10i प्लस 6j मीटर पर सेकंड, ठीक है 5i प्लस 5i मीटर पर सेकंड वेग से गतिशील है। अब देखो कोणीय संवेग आपको निकालना है तो पहले मोमेंटम निकालो, तो मोमेंटम कितना हो गया P इज इक्वल टू 0.01 इंटू 5, तो P हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05 आई कैप। R क्रॉस P होता है L, जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू R क्रॉस P, R की वैल्यू यहां पर क्या है 10i प्लस 6j क्रॉस P कितना हो गया 0.05 i, तो i का i के साथ क्रॉस करेंगे 0 आ जाएगा, 65 जो 30.3 आ गया और j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k, देन व्हाट वी गेट 0.03 माइनस का आएगा k का, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट 46, द डायमीटर ऑफ द डिस्क इज 0.5 मीटर एंड इट्स मास इज 16 किलोग्राम, वॉट टॉर्क विल इंक्रीज इट्स एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 120 रोटेशन पर मिनट, तो यहां पर जो डायमीटर दिया है वो कितना दिया है 0.5 दिया हुआ है, जो मास दिया है वो 16 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, तो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, m कितना हो गया 16, r बाई टू कर दें इसको, r कितना हो गया 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, तो कितना हो गया 16 अपॉन 2 इनटू 0.25 अपॉन 4, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए अब निकालना क्या है अपने को टॉर्क निकालना है, तो अल्फा निकाल लो, तो ओमेगा 0 तो 0 है और ओमेगा इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई एन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई इंटू एन कितना है 120 अपॉन कितना पर मिनट है 62, कितना आ गया दैट इज इक्वल टू 4 पाई। अब ये फॉर्मूला लगाओ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी, तो ये हमारे पास है 4 पाई इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस एल्फा और टी कितना दिया हुआ है 8 सेकंड, तो एल्फा हमारे पास क्या आ गया पाई बाई टू, तो अपन लोगों ने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया फिर अल्फा निकाल लिया और आपको मालूम है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है, देन टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आपने लगा दिया एंड गेट द आंसर 1/2 इंटू पाई बाई टू, वी गेट पाई बाई फोर,
चेक करो पाई बाई फोर कहां पर दिया हुआ है, आंसर विल बी फर्स्ट। कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंट इफ इट्स रेडियस इज हाफ देन कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द डे। रेडियस हाफ कर दी गई, रेडियस हाफ कर दी गई, तो अब हमें क्या निकालना है, ड्यूरेशन ऑफ द डे कैलकुलेट करना है। मींस मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब क्या हो गया, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, आई प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर मतलब आर वन स्क्वायर इंटू टू पाई बाई 24 इज इक्वल टू आई टू, आई टू मीन्स आर वन बाई टू होल स्क्वायर इंटू टू पाई बाई टी टू। सॉल्व कर लो, कैंसिल कैंसिल, टू टू जा फोर कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, टी टू इज इक्वल कितना आ जाएगा, सिक्स आवर्स, आंसर विल बी सेकंड। फोर्टी एट, इफ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज बाई 300% देन डिटरमिन द परसेंटेज इंक्रीज इन द एंगुलर मोमेंटम। 300% इंक्रीज कर दिया गया, तो पहले मान लिया K1 हमारे पास क्या था, K था, अभी 300% इंक्रीज कर दिया गया, तो K2 कितना हो गया, K plus 3K, ये हो जाएगा 4K, और K प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होता है, तो K1 अपॉन K2 पावर हाफ इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, तो K1 हमारे पास है K, और ये कितना हो गया 4K पावर 1 बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया L अपॉन L2, तो L2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2L आ जाएगा, 2L का मतलब क्या हो गया, हमारे पास बढ़ कितना गया, L1 अगर हमारे पास L था तो L और बढ़ गया, मतलब 100% आपने एंगुलर मोमेंटम को इंक्रीज कर दिया, तो आंसर विल बी फर्स्ट। 49, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज इक्विवेलेंट टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है कि जिस तरीके से ट्रांसलेशन मोशन में या लीनियर मोशन में मास का काम होता है, उसी वही काम रोटेशनल मोशन में किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो किसके पर आएगा, मास ऑफ द लीनियर मोशन, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस हैज मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सभी में कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है, तो रिंग का देखो, रिंग का क्या होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर, डिस्क का क्या होता है, ये होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू मतलब कितना हो गया 0.5 एम आर स्क्वायर, इसका क्या होता है, हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, करीब करीब कितना होता है 0.6 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया 0.4 आ गया, 0.4 एम आर स्क्वायर, तो सबसे कम किसका दिख रहा है, यही हमारा मिनिमम है, यही हमारा क्या है, मिनिमम है, तो मिनिमम किसका हो गया, दैट इज अ सॉलिड स्फीयर। 50 फॉर रोटेशनल मोशन द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज इंडिकेटेड बाई, तो देखो जैसे लीनियर मोशन में हमारे पास ये आता था, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में सारी चीजें हमारे पास टॉर्क पर डिपेंड करती है, तो टॉर्क के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा टाउ इज इक्वल डीएल अपॉन डीटी, और ये हमारा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम होता है वैसे यहां पर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, सो आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट 52, ए रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, टू स्टॉप रोटेशन वी हैव टू अप्लाई, किसी बॉडी को अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो रोटेट करने के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, द ग्राफ बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर वेलोसिटी जे, जी इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है,
जी इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा होता है, तो जे प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, जे प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, जे प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, आंसर विल बी फर्स्ट। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन एंड आई टू, ये हमारे पास हो गया आई वन एंड दिस इज आई टू, सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है और एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा, काइनेटिक एनर्जी सेम है कि इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन टू आई होता है, मतलब एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब एल वन एल प्रोपोर्शनल टू रूट आई, मतलब क्या हो जाएगा एल वन अपॉन एल टू इज इक्वल रूट आई वन अपॉन रूट आई टू, मतलब थ्री बाई वन रेशियो, आंसर क्या आ जाएगा थ्री इज टू वन, आंसर विल बी फर्स्ट। हाँ क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए क्या कह रहा है, ए बॉडी हैविंग मास 10 किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज 0.1 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस इफ एंगुलर स्पीड इज 10 रेडियन पर सेकेंड देन व्हाट बी एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा होता है, एल इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा, एम कितना दिया हुआ है 10, के कितना दिया हुआ है 0.1 स्क्वायर, ओमेगा कितना दिया हुआ है 10, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.01 कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। फिफ्टी सिक्स देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज रोटेटिंग इन ए प्लेन इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इफ इट्स एंगुलर मोमेंटम इज एल देन व्हाट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एल आपको क्या दिया हुआ है एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू कितना हो गया एम वी आर, तो वी इज इक्वल टू कितना हो गया एल अपॉन एम आर, आपको फोर्स क्या होता है फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर मतलब क्या हो गया एम अपॉन आर, ऐसे लिख लो वी स्क्वायर मतलब हो गया एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एक एम से एक एम कट गया तो एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, आंसर चेक करो एल स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब किस में दिया हुआ है, आंसर विल बी फोर। A stone is attached to one end of the string is revolved around a stick so that the string winds upon the stick and gets shortened. What is conserved? एक रस्सी लिया और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो हमारे पास इसमें क्या कंजर्व रहता है एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, कोणीय संवेग हमेशा नियत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन द पोल ऑन द अर्थ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो अभी यहां पर आइस यहां पर है, यहां पर है ये पोल पर है, तो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, लेकिन जब ये मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद कहां पर आ जाएगा इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, तो मास क्या हो गया इस एक्सिस से थोड़ा दूर हो गया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इनक्रीज हो जाएगा। The angular momentum of the body remains conserved. Angular momentum कब conserved रहता है? When no torque acting on the body, then angular momentum is conserved. मतलब tau हमारे पास क्या होना चाहिए था? Zero होना चाहिए. Answer will be second. Next. द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब डी एल अपॉन डी टी किसके इक्वल होता है, दिस इज जस्ट इक्वल टू द टॉर्क टाउ, आंसर विल बी फोर। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, इफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ द
टोटल काइनेटिक एनर्जी देन व्हाट विद द बॉडी। देखो ई रोटेशनल जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, और ई टोटल क्या होता है जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लिया तो हमारे पास आ गया ये। अब ई रोटेशनल क्या है, टोटल का 50% है, मतलब अगर हमने इसको x माना है, अगर ये हमारे पास x है तो ये कितना हो गया, ये हो गया x by 2, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा is equal to x upon x by 2 x, ये कैंसिल हो गया। तो अब कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 k square upon r square is equal to 1 plus k square upon r square, इसको इधर ले आओ तो क्या आ गया k square upon r square is equal to 1, तो k square is equal to r square, और k is equal to r जब आता है तो किसका होता है, रिंग का होता है। तो बॉडी कौन सी है, दैट बॉडी इज रिंग। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, अब देखिए ए स्फीयर इज रोलिंग, ए स्फीयर इज रोलिंग, द रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी हम लोगों ने एक पीछे फॉर्मूला लिखा था ई रोटेशनल अपॉन ई टोटल, ये क्या आया था, यह था के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर के लिए क्या होता है, टू अपॉन फाइव एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम गया तो ये आ गया टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आगे बात है। तो यहां पर वैल्यू रख दो तो 2 अपॉन 5 आ गया, और यहां से क्या आ गया 1 प्लस 2 अपॉन 5 कितना आ गया, रोटेशनल का टोटल से निकालना है तो हो जाएगा 2 बाई 5 अपॉन 5 बाई 7 बाई 5, ये कैंसिल हो गया कितना आ गया 2 बाई 7, ये हो गया 62, आंसर विल बी 4। नेक्स्ट 63, ए बॉडी इज रोटेटिंग, ए बॉडी इज रोटेटिंग with angular momentum L, if I is the moment of inertia about the axis of rotation, then its kinetic energy. L से घूर्णन कर रही है और घूर्णन गति ऊर्जा क्या होगी, जड़ता पर दिया हुआ है, क्या होता है K is equal to L square upon 2I, answer will be 4. Next 64, a force F alpha I plus 3j plus 6k is acting at the point this one, the value of alpha for which the angular momentum about the origin is conserved. Angular momentum conserved होने मतलब क्या हो गया, वहां पर tau को 0 होना पड़ेगा, तो tau मतलब क्या हो गया, r cross f निकाल लो, तो जब r cross f निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 2i minus 6j minus 12k cross alpha I प्लस 3j प्लस 6k। अगर इसको आप ऐसे अगर करें i j k तो यहां पर देख लो 2 माइनस 6 माइनस 12, यहां पर आ गया अल्फा, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, तो i ये हो गया माइनस 36 और ये हो गया प्लस 36, ये तो हो गया 0 माइनस जे, यहां पर कितना हो गया
ये कितना हो गया, ये हो गया सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स एल्फा प्लस सिक्स। और के वाले में देख लो, ये हमने लिया आई जे, जे वाले में ये आएगा, ये हो गया के का। एक मिनट, पहले आई का हमने लिया तो कितना हो गया, आई वाले में तो हमारे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। जे वाले में जब लेंगे, जे वाले में जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व माइनस 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 प्लस ट्वेल्व एल्फा प्लस के कैप। के कैप हमने ये हटाया, सिक्स प्लस सिक्स एल्फा। होना क्या चाहिए, ये सारे टर्म जीरो होने चाहिए। जीरो होने का मतलब क्या हो गया, एल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वन। एल्फा इज इक्वल टू माइनस वन, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन क्या है वो देखिए। द रेडियस ऑफ द रोटेटिंग स्फीयर डिक्रीजेस बाय 2% कीपिंग द मास कांस्टेंट, द चेंज इन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर। रेडियस तो के प्रोपोर्शनल टू आई है, तो के प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर। तो यहां से देख लो, डेल्टा के अपॉन के इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर अपॉन आर। और ये कितना चेंज हो रहा है, दिस इज ऑफ 2%, तो कितना हो जाएगा, 4% हमारे पास चेंज होकर के आएगा, आंसर विल बी थर्ड। 66 टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड 2m विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए एंड आई बी। यहां पर ग्रेटर क्या है, आई ए ग्रेटर, ध्यान से देखिएगा, आई ए इज ग्रेटर, आई ए इज ग्रेटर। तो अगर हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो के इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन टू आई होता है। तो यहां से एल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आई आ गया, मतलब जिसके लिए हमारे पास आई की वैल्यू ग्रेटर, उसी के लिए एल की वैल्यू ग्रेटर। तो आई किसके लिए ग्रेटर है, ए के लिए ग्रेटर है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सेकंड। 67 ए थिन होलो सिलेंडर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर स्लाइड विदाउट रोलिंग विद ए स्पीड वी, व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। विदाउट रोलिंग, स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने के लिए हमारे पास क्या होगा, Only and only translational kinetic energy, half mv square. ठीक है, answer will be second. 68 ध्यान से देखिए, a thin hollow cylinder of mass m and radius r रोल्स विदाउट स्लिपिंग विद, मतलब वो रोल होकर क्या रहा, मतलब उस वहां पे रोल होने का मतलब क्या हो, रोलिंग हो रही मतलब वहां पे ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो जब हमारे पास वो आता है, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या दिया, हॉलो सिलेंडर दिया, हॉलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू वन होती है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर और वन प्लस वन, ये हो गया टू, से टू गया, आंसर क्या आ गया, एम वी स्क्वायर, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 69 देखिए, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल्स डाउन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन विथ हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी, when a solid sphere of moment of inertia I rolls down on an inclined plane, then how much percentage of the total energy wet will get converted into the rotational kinetic energy. तो total kinetic energy का हमें देखना है कि कितना percentage rotational में जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने बताया था E rotational upon
ई ट्रांसलेशनल, ई टोटल, और ये कितना आया था, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यही तो था। और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर यहां पर आया था टू अपॉन फाइव, और ये कितना था, ये आ गया था हमारे पास वन प्लस टू अपॉन फाइव, ये हमारे पास आया था टू बाई सेवन। अब हम लोग परसेंटेज की बात करें, मतलब ई टोटल हमारे पास क्या होगा, ई रोटेशनल क्या हो गया, टू बाई सेवन ऑफ ई टोटल। अगर हमने इसको हंड्रेड ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू हंड्रेड बाई सेवन, टू हंड्रेड बाई सेवन मतलब क्या होगा, 28.6% आएगा, आंसर विल बी सेकंड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 70। ए डिस्क रोल्स डाउन ऑन ए प्लेन ऑफ लेंथ एल एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा विदाउट स्लिपिंग, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द बॉटम। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रूट टू जी एल साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देख लो क्या है, डिस्क रोल हो रही है तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट डिस्क के लिए क्या होता है, डिस्क के लिए होता है एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर क्या आ गया, वन बाई टू आ गया। तो टू जी एल साइन थीटा अपन वन प्लस वन बाई टू, तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ फोर जी एल साइन थीटा अपॉन थ्री, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्फेरिकल सेल एंड सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, देन द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन विल बी। देखो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, पहले वो लगाना है, ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, हाँ, ए स्फेरिकल सेल एंड ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम रेडियस रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज इक्वल होता है जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ए शेल अपॉन ए सिलेंडर इज इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये सेल का लिखो और यहां पर लिखो आप, यहां पर आएगा सिलेंडर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये आएगा सिलेंडर का, और यहां पर क्या आएगा, वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये आएगा शेल का। वन प्लस ये हो गया वन बाई टू, और यहां पर हो गया वन प्लस थ्री बाई टू, कितना हो गया, ये हो गया थ्री बाई टू और ये हो गया फाइव बाई टू, मतलब कितना हो, सॉरी टू बाई थ्री होता, टू बाई थ्री, टू बाई थ्री और टू फाइव, फाइव बाई थ्री कितना हो जाएगा, नाइन बाई टेन। क्योंकि सेल के लिए हमारे पास जो होता है, सेल के लिए क्या होता है, टू बाई थ्री एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर, और सिलेंडर के लिए होता है वन एम आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, नाइन बाई टेन आ जाएगा। 72 देखिए, ए रिंग टेक्स रूट टी टी वन टाइम एंड टी टू फॉर द स्लाइडिंग डाउन रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन्स ऑफ लेंथ एल रीचिंग द बॉटम एट टी वन एंड टी टू। देखो टी वन इज इक्वल टू क्या हो गया, टी वन इज इक्वल टू हो गया रूट
टू एच अपॉन जी, और जो हमारे पास रोलिंग का होता है वो होता है हमारे पास रूट टू एच अपॉन जी वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देख लो क्या आ गया, क्या हो रहा है, रिंग रिंग के लिए हमारे पास के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वन हो गई। अब दोनों का रेशियो देख लो, ये कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया वन बाई टू अंडर रूट का, तो वन रेशियो टू दैट इज द आंसर। सेवेंटी थ्री, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वन किलोग्राम रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू थ्री पर टू किलोग्राम रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है, एक्स यूएम इज इक्वल टू जीरो इंटू वन प्लस थ्री इंटू टू अपॉन ये हमारे पास पोजीशन थ्री है और मास कितना है, मास है टू किलोग्राम, तो मास टू और वन के मिलकर हो गया थ्री, तो सिक्स अपॉन थ्री मीन्स कितना आ जाएगा, टू मीटर, आंसर विल बी सेकंड। 74, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर इज, इसको आपको ध्यान रखना है, ये तो याद ही रखना है, हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आर अपॉन पाई। सो आज आंसर विल बी फर्स्ट। 75. The center of mass of this solid hemisphere, of radius r from the base. Base मतलब हमारे पास ये है, ये आपके पास एक solid hemisphere है, ये पूरा, यहाँ से location पूछ रहा, ये base है, तो यहाँ से अगर location पूछ रहा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 r by आंसर विल बी फर्स्ट। 76, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सॉलिड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h फ्रॉम द बेस, ये है, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, पर होता है दिस इज जीरो कामा एच बाई फोर, ये सेंटर ऑफ मास आपको बहुत इन सब डायग्राम के इन सब बॉडीज के आपको याद करने के लिए दिए गए हैं, पहले दिए गए होंगे तो उनको आपको याद रखना है, वहां डिराइव नहीं करना है। 77, when momentum of a body is constant then what is the graph between the kinetic energy and the mass, k is equal to kya hota hai, p square upon 2m hota hai, kya cheez constant hai, momentum constant hai, to jab momentum constant matlab k inversely proportional to m ho gaya, k inversely proportional to m ka matlab hamare paas answer number first, that is the correct answer। 78, what is the ratio of the translational kinetic energy to the total kinetic energy, dekhiye half mv square ye hota hai aur ye kya hota hai, half mv square 1 plus k square upon r square, ye e translational upon e total, ye cancel ho gaya,
ये आ गया वन, वन प्लस टू अपॉन फाइव कितना आ जाएगा, फाइव बाई सेवन, आंसर विल बी फर्स्ट। सेवेंटी नाइन, द लीनियर डेंसिटी ऑफ द रॉड ऑफ लेंथ थ्री मीटर वेरीज एज लेमडा इज इक्वल टू टू प्लस एक्स देन द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। अब आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास की जो पोजिशन होती है वो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो टू थ्री एक्स डी एम अपॉन डी एम जीरो टू थ्री, यह आ जाएगा जीरो टू थ्री एक्स लेमडा मतलब टू प्लस एक्स, क्योंकि डी एम इजिकल क्या हो जाएगा लेमडा डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन टू प्लस एक्स डी एक्स लिमिट जीरो टू थ्री। इसको करेंगे जीरो टू थ्री टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन जीरो टू थ्री टू प्लस एक्स डी एक्स। अब इसमें देखिए यह आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट लगाएंगे जीरो टू थ्री अपॉन यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट लगाएंगे जीरो टू थ्री और लिमिट लगाने के बाद जब वैल्यू रखोगे तो हमारे पास आता है ट्वेल्व बाई सेवन। इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, बस वैल्यू रखना है अपने को और कुछ नहीं है, एक्स इजिकल टू थ्री रख दीजिएगा पूरे में और सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर सेकेंड। When a planet comes closer to the sun, then its angular velocity. Angular velocity का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये हमारे पास कोई एक ये प्लेनेट है, ये इधर की तरफ आ रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व है, मतलब L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो आई क्या हो रहा, आई डिक्रीज हो रहा तो ओमेगा क्या होना पड़ेगा, ओमेगा को इंक्रीज होना पड़ेगा, तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट 81, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन हूज इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स इज गिवेन, तो एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है इसके अलोंग है, तो जब ये y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन है और इसी के अबाउट आपको लेना है, इसी के अबाउट आपको फोर्स लग रहा है, पार्टिकल इधर की तरफ चल रहा है, वेलोसिटी यही है, तो l इज इक्वल टू एम वी आर हमारे पास क्या रहेगा जीरो रहेगा, आंसर विल बी सेकंड। 82 में देखिए ए बुलेट ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी, एक ये बुलेट है, ये आपके पास कोई बुलेट है, ये वी वेलोसिटी से जा रही मास एम है और ये गई और ये ब्लॉक के अंदर धस गई, एम प्लस एम ये हो गया वी डैश, मोमेंटम कंजर्व कर दो तो एम वी अपॉन एम प्लस एम, यहाँ पर v छूट गया है, ठीक है, एट्टी थ्री,
द रिड्यूस मास ऑफ द टू पार्टिकल हैविंग मास इज एम एन टू एम. तो रिड्यूस मास क्या होता है, म्यू इक्वल एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू. तो एम इंटू टू एम अपॉन थ्री एम कितना आ जाएगा, टू एम बाई थ्री. आंसर विल बी थर्ड. द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज. क्या होना चाहिए था, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो कितना आना चाहिए था, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए था. आंसर विल बी फोर. 85. विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी. रिंग में हमेशा बॉडी के बाहर होता है. 86. A ball of mass m falls from a height h on a floor where the coefficient of restitution is e, then the height attained by the ball after two rebounds. Two rebounds ka matlab kya ho gaya, n is equal to 2 rakhna hai. H is equal to e power 2 n h hota hai formula, n ki jagah aap 2 rakh dijiye to h is equal to kya ho gaya, e power 4 h. Answer is third. 87. Center of mass of the given system of the particle will be at the line. यहां पर देखो, यहां पर मास सेम है, यहां पर मास सेम है, तो इसके लिए तो सेंटर मास यहीं पर रहेगा. यहां पर मास इधर है और ये हैवियर है, तो हैवियर की तरफ शिफ्ट करेगा. हैवियर की तरफ शिफ्ट होने वाला किधर होगा, टुवर्ड्स ओबी. सो आंसर विल बी थर्ड. नेक्स्ट 88. एटम ऑफ ऑक्सीजन एट द पोजिशन आर वन एंड आर टू. तो देखो मास तो दोनों का सेम रहेगा, दोनों एटम का. तो एम वन एम आर वन वैक्टर प्लस एम आर टू वैक्टर अपॉन एम प्लस एम. देख लो क्या आ गया, ये आ गया आर वन वैक्टर प्लस आर टू वैक्टर अपॉन टू. आंसर विल बी फर्स्ट. 89. व्हेन द मास इज कांस्टेंट देन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द लीनियर मोमेंटम. मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम होता है. ये कांस्टेंट हो गया मतलब के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर. के प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ग्राफ किस तरफ टर्न लेगा, के की तरफ टर्न लेगा. तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर विल बी थर्ड. 90. व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट देन द ग्राफ बिटवीन द मास एंड द मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम. के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू एम मीन्स पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम. तो मास की तो ग्राफ किधर टर्न लेगा, एम की तरफ टर्न लेगा, क्योंकि हमारे पास जो पावर वन है वो एम की तरफ है. तो आंसर विल बी सेकंड. तो इस तरीके से आपके ये पूरे बेटा 90 क्वेश्चन पूरे हो गए. इनको आप अच्छे से करिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है मैक्सिमम, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है. ओके बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट.